आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जिस तरह से ये अहंकारी सरकार खुलेआम शराब बेचवाती है, शराब माफियाओं से टैक्स लेती है, सरकार के पास इस बात की जानकारी 2017 में थी कि समीपवर्ती राज्यों से शराब की तस्करी होती है, उसके बाद भी सरकार खुलेआम उनको संरक्षण देती थी, चूंकि वो शराब के व्यापारी सरकार को चंदा देते हैं। ये सरकार डरी हुई सरकार, कभी ईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस को ढाल बनाकर विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, जनता की चुनी हुई आवाज़ को दबाना चाहती है। ये सरकार जो कृत्य कर रही है वो अंग्रेजों जैसे कृत्य हैं। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार अंग्रेजों की, इनके नेता अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, तो अब अंग्रेजों की सरकार नहीं है, अब देश की जनता से चुनी हुई सरकारें हैं। जनता हुई से चुनी हुई सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, ईडी सीबीआई और पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर